गाइस यार काफी ज्यादा बहुत टाइम से इस तरीके के कमेंट्स आ रहे थे कि भैया आप जो है कुलधरा विलेज यानी कि जो भूतिया गांव है उसके ऊपर एक वीडियो बनाओ, वहां पे जाओ और हमें दिखाओ कि वो कैसा है और कैसा दिखाई देता है। तो गाइस यार काफी सारे लोग तो ऑलरेडी उस भूतिया गांव के बारे में जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उन्हें एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि मैं नहीं बल्कि पूरा जैसलमेर पूरा राजस्थान ये बात कहता है कि वो एक भूतिया गांव है और उसकी कहानी कुछ इस तरीके की है कि एक ही रात के अंदर उस गांव में रहने वाले सभी लोगों ने उस गांव को खाली कर दिया था और ये श्राप दिया था कि दोबारा से उस गांव के अंदर कोई भी नहीं बस पाएगा, वो गांव दोबारा से कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। और उस बात को कई साल बीत गए हैं लेकिन आज भी वो गांव खंडर है, उनके अंदर कोई भी नहीं रहता। गाइस यार मुझे तो नहीं पता है, मैंने जो कहानियां सुनी है जो लोग बताते हैं उनके आधार पे ही मैं कह रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो के अंदर वहीं पे चलते हैं, सीधा एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर ही आपको भी दिखाते हैं और उससे जो जुड़ी कहानी है वो भी आपको बताते हैं। तो गाइस यार हमारे अजमेर से यानी कि जहां पर मैं रहता हूँ वहां से यहाँ तक का जो सफर है वो है पूरे 700 किलोमीटर का, और वहां से 700 किलोमीटर की दूरी तय करके हम सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि आपकी ख्वाहिश को पूरी कर सके। तो यार आप भी इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं कम से कम 1 मिलियन तो कर ही देना यार, ठीक है। तो चलो रोल द इंट्रो, अभी रास्ता बहुत लंबा है। हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। लंबा सफर तय करने के बाद फाइनली मुझे ये पत्थर मिला है जिसपे लिखा हुआ है कि कुलधरा यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे, यानी कि वो जो भूतिया गांव है अब बस वो 1 किलोमीटर की दूरी पे। तो चलो बाकी का रास्ता भी खत्म करते हैं और जल्दी से चलते हैं वहाँ पे। तो गाइस यार ये पहुंच गए हम कुलधरा गांव के अंदर, इस बोर्ड पे लिखा हुआ है कि यहाँ से कुलधरा 0 किलोमीटर है। अब एग्जैक्टली मेरे हिसाब से उधर की साइड जो है वही गाँव होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि एक सीधी सड़क है और यहाँ पर एक पानी की टंकी भी है, और गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है कुलधरा, यानी कि जो कुलधरा गांव है वो इस साइड के अंदर है। देखो गाइस यार यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, गाइस यार आप देख सकते हैं कि ये एक सीधी सड़क है और यहाँ से इस बोर्ड के हिसाब से कुलधरा जो है वो ये रहा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी बड़ा बड़े बड़े अक्षरों के अंदर लिख रखा है कुलधरा एक पुरातत्विक स्थल। इधर पानी की टंकी है गाइस, और ये रहा कुलधरा गांव मेरे हिसाब से। ओ तेरी पकड़ी इसको, अबे भूतिया गांव में जाने के लिए भी टिकट लगेगा 20 रुपए 50 रुपए। टिकट है भाई साहब कितने का? 50 गाड़ी के 20 मेंबर के। अच्छा कितने हुए? कितने मेंबर? 7 मेंबर हैं। भाई साहब को छोड़ के 6, आप देख लो अपने हिसाब से कितना लगेगा। भाई साहब को छोड़ के बता दो कितने? 6 120 50 170 170 रुपए। 150 रुपए दे दो। ठीक है भाई, ठीक है ना। 5 मेंबर एक गाड़ी, 6 बजे बाहर आ जाना। 6 बजे? हां 6 बजे बाहर आ जाना, फिर बंद हो जाएगा। 6 बजे बंद हो जाता है? ठीक है, 1 किलोमीटर जाओ राउंड लगा के 6 बजे बाहर। ठीक है सर। गाइस यार गेट पे हमसे टिकट लिया गया, पर एक चीज समझ में नहीं आई यार, भूतिया गांव का टिकट लगता है हा? और गाइस आप देख सकते हैं कि हम कुलधरा विलेज के अंदर एंटर कर चुके हैं। ये वही गांव है जिसे कि बहुत ज्यादा भूतिया कहा जाता है। ये
राजस्थान का नहीं, भारत का नहीं, बल्कि पूरे एशिया के अंदर सबसे भूतिया जगहों के अंदर से एक है। तो गाइस टिकट लगा है हमारा और अभी देखते हैं, हम चलते जा रहे हैं। और अब आप यहां से देखो कुछ इस तरीके का सीन है, ये देखो। तो हम अभी कुलदरा के अंदर एंटर कर रहे हैं। यही है वो गांव जिसके ऊपर कई सारे न्यूज चैनल्स ने वीडियोस बनाई है, काफी सारी यूट्यूब पे भी आपको वीडियोस मिल जाएगी इसके ऊपर। तो गाइस यार आई थिंक हम मेन लोकेशन पे पहुंच गए हैं। गाड़ी यहीं लगा देते, यहीं लगा दे विक्रम, यहीं लगा दे, यहीं लगा दे, यहीं से देखते हैं। ओ भूत, भूत, भूत कुल्हाड़ी लेके खड़ा है, भूत कुल्हाड़ी लेके खड़ा है। सच में? हाँ वो देख, ये इशारे कर रहा है। भूत कुल्हाड़ी लेके खड़ा है, बुला रहा है आपको। भूत कुल्हाड़ी लेके खड़ा गाइस, वो देखो, भूत दिख गया मुझे, भूत दिख गया, भूत दिख गया, कुल्हाड़ी लेके खड़ा भूत। हाँ भूत भाई, क्या कर रहे हो? वाह यार, यहाँ पे क्या सही में रात को भूत आते क्या यार? इंसान से बड़ा कौन भूत है? भाई क्या कहना है कि इंसान से बड़ा कौन भूत है, ये बात भी सही है। यहाँ पे हुआ क्या था भाई? मुझे क्या पता? आप यहाँ के नहीं हो क्या? मैं सब दूर से आया। अच्छा दूर से आए हैं? हाँ। अरे वाह। तो गाइस यार ये देखो पूरे गांव टूटे पड़े हैं, आगे एक छोटी बच्ची है। हाय हाय, कैसे हैं आप? ठीक है। यहाँ पे भूत आते क्या रात को? नहीं आते। आप रात को आए हो कभी यहाँ पे? तो गाइस यार आप देख सकते हैं कि सही में ये बात तो सच है यार कि गांव पूरा खंडर हो चुका है। ये देखो चारों तरफ बस खंडर ही खंडर है। ये देखो इधर, इधर भी खंडर है। ये देखो, ओ भाई, ओए भवानी, अबे सही में खंडर है इधर तो। ओ तेरी, अरे ये गाइस अभी तो हमने एंटर ही किया और ये देखो, और मैं हमारे घर में भी थी एक ऐसी, इसकी मदद से अपन क्या छत पे चढ़ सकते हैं। तो सीढ़ियाँ नहीं होती थी ना, तो पहले ऐसे हो ऐसी चीज़ें हुआ करती थी। अरे भाई कोई पत्थर होता खंडर है, कोई पत्थर वत्थर आ गया तो मैं भी किल हो जाऊँगा, ये पे मेरी समाधि बन जाएगी। ओह भाई यहाँ पे काफ़ी सारे बिल बन रखे हैं, मतलब जानवर तो रहते हैं, इंसान नहीं रहते टिकाऊ। तो गाइस ये है कुलधरा गाँव, और यहाँ पे जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैंने गार्ड से बात की तो उसका कहना है कि रात को यहाँ पे किसी को भी रुकने नहीं दिया जाता है, क्योंकि पहले यहाँ पे कुछ ऐसे हादसे हो रखे हैं जिसके बाद में इस जगह के चारों तरफ बाउंड्री करा दी गई ताकि इसके अंदर रात के समय में कोई भी एंटर ना करे। मैं ये तो नहीं कह रहा कि भैया ये जगह भूत है या नहीं है, लेकिन यार ये देखो मकान तो सच है यार, देखो मतलब सारे खंडर हो रखे हैं। ये देखो, ओ भाई यहाँ पे लोग रहते थे, और करीब करीब लगभग 190-170 साल पहले की बात बताते हैं कि तब ये गांव हुआ करता था और अब नहीं। ये देखो ये क्या चीज़ रही होगी। ओह, मेंटेनेंस ना होने की वजह से पूरा चीज़ें ढह गई है। और देखते हैं, ये एक कमरा है पुराने ज़माने का। ओ ओ तेरी, क्या डीजो खतरनाक, ये क्या होगा? बाथरूम, बाथरूम। गाइस कुलधरा में बाथरूम भी, ओए अंदर जाके आओ गाइस देखो। ओ ओ भाई, ये सुरंग जैसा क्यों बना रखा है ये मुझे नहीं पता, सीधा सीधा गेट दे देते। तो गाइस यार ये है कुल, क्या हो गया तेरे को? भूत आ गए। ओ, 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 ओ क्यों कर रहा, भूत आ गए तेरे। तो गाइस यार, और उधर मंदिर भी है। किस तरफ? वो देख उधर मंदिर है, कुलधरा गांव का, मे भी कुलधरा गांव का मंदिर है। और गाइस देखो काफी सारे मकान बने हुए हैं यार, एक नहीं दो नहीं, ये देखो छोटे छोटे से आड़िए भी हैं इसके अंदर, हमारे इधर आड़िए बोला जाता है। ये देखो यहाँ पर मतलब सामान वगैरह रखने के लिए। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रही प्रताप यार, इन सबके घरों की दीवारें तो है, छत नहीं है, पट्टियां कहाँ गई? पट्टियां नहीं है ना, पट्टियां है ही नहीं किसी मकान पे, नहीं किसी मकान में पट्टियां नहीं चढ़ी हुई है। शायद पहले के लोग ऐसे रहते हैं। तो वे घर क्यों बनाएंगे ऐसे रहना होगा? नहीं वो पहले वो लकड़ी की वो होती थी ना छत, छान वगैरह डाल के। हाँ वैसी होगी। अच्छा तो वो काफी टाइम से खत्म होगी लकड़ी। भाई यार देखो चारों तरफ बस खंडर ही खंडर मकान है,
इसका मतलब यहाँ पे काफी ज्यादा लोग रहते होंगे जो कि अभी से छोड़ के चले गए हैं, और अभी हम सब लोग हैं यहाँ पे। लगता है यार पूरा गांव देखने में तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, काफी लंबा चौड़ा गांव है यार। सोचो आज से लगभग 150 साल से भी ज्यादा से पहले किसी ने यहाँ की नींव रखी होगी, और अभी ये सारी चीजें खंडर में बदल गई है। यहाँ पे कोई नहीं रहता सिर्फ एक शराब की वजह से। वो देखो हमारी गाड़ी खड़ी है वहां पे, और ये देखो कुलदरा। तो गाइस कुछ इस तरीके का है कुलदरा। आसपास में आप देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं है गाइस। यार रातों रात कई सारे लोगों का, भैया घर कितना मेन होता है अपन सबके लिए, लेकिन रातों रात किसी घर को छोड़ देना कोई मजाक की बात नहीं होती है। क्या पता भूत या फिर क्या ऐसा क्या रीजन रहा होगा कि गांव वालों को इसे छोड़ना पड़ा। सोचो कि उनके दिल पे क्या बीती होगी और कितने दुखी मन से उन्होंने इस गांव को श्राप दिया होगा कि भैया यहां पे और दोबारा कोई भी नहीं बस सकता है। और फाइनली देख लो यहां पे कोई भी नहीं बस पाया है देखो। और गाइस यार मैं नहीं कहता, मैंने तो देखो यार न्यूज़ चैनल्स जो है उन पे इसके बारे में पढ़ा है सुना है, तो वो लोग बताते हैं कि रात को यहाँ पे आज भी उन गांव वालों के चलने की, खाना बनाने की और बातें करने की, फंक्शंस की ऐसी आवाज़ें आती है रात के टाइम में, जो यहाँ के स्थानीय निवासी वो ऐसा अनुभव हमें देते हैं। हालांकि मुझे तो अभी ऐसा कुछ फील हो नहीं रहा है सच बात बताऊँ तो, क्योंकि अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कोई पर्यटन स्थल हो। बाकी हाँ थोड़ा सा रोमांच है मन के अंदर, क्योंकि एक हिस्ट्री देखने को मिल रही है ना, मन के अंदर ऐसा रोमांच है भाई कि यार कोई टाइम पे यहाँ पे लोग रहते थे। देखो यार मैं जिधर जा रहा हूँ उधर बस ये खंडर ही खंडर है, देखो चारों तरफ बस खंडर ही खंडर है देखो। भैया रात को अकेले इंसान की तो फट जाए ये बात तो तय है। मेरे हिसाब से पट्टियां भी थी लेकिन देख रेख ना होने की वजह से वो पट्टियां गिर गई शायद। ये देखो बिल्कुल सन्नाटा है यहाँ पे यार, बिल्कुल सन्नाटा। ओ भाई गाइस यार ये जो मकान बने हुए हैं ना ये बहुत ज्यादा सोच समझ के बनाए गए हैं। मतलब जिस तरीके से अपन कॉलोनियां काटते हैं ना आज के टाइम में, तो आज से कई 100 साल पहले भी इसी तरीके से कॉलोनियां काटी गई और इन मकानों के ढांचे तैयार किए गए। देखो बस एक ही चीज अभी तक भी मुझे समझ में नहीं आई, एक ही इनकी पट्टियां क्यों नहीं, बाकी पूरा देखो सुव्यवस्थित तरीके से इस नगर का जो निर्माण है वो करा गया है। इधर देखो इधर रोड जा रही है, उधर देखो पीछे वहां पे मंदिर है और कुछ और घर है क्या, और ये एक पता नहीं क्या चीज है। देखो गाइस अब ये मुझे नहीं पता कि ये उस टाइम की है या अभी इसे बनाया गया है। देखो ओह देखा उस भाई ने सही कहा था, असली भूत तो हम इंसान हैं, यहाँ पे भी गंदीवाड़ा कर दिया। देखो गलत बात बहुत ही ज़्यादा गलत बात। गाइस यार गांव तो काफ़ी बड़ा है, और जहाँ पे पहले लोग रहते थे वहाँ पे अभी झाड़ियाँ उग गई है, यानी कि पेड़ पौधे उग गए हैं। ये किसी ने अपना नाम लिख रखा है यहाँ पे, कैटलू राम कुटल राम, नाम तो अच्छा रख लेता कुटल राम। अरे नहीं यार ये तो पहले की है गाइस, एक और रोड आ गई देखो, उधर से हम आगे आए इधर एक और रोड है, और इसके इधर भी गांव है, इसके इधर भी गाइस आगे एक और रोड है ठीक वैसी जैसे अपन ने पहले देखी थी देखो। और ये पूरा मतलब कि रास्ते निकाले गए थे गाँव वालों ने, रास्ते निकाले थे कि इस तरीके से अपने को रहना है। गाइस यार यहाँ पे कम से कम 100 से भी ज्यादा मकान है, 100 से भी ज्यादा करीब करीब 200 के आसपास मुझे मकान लग रहे हैं, 200-300 भी हो सकते हैं क्योंकि सभी अब टूट गए हैं, तो मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली कितने होंगे, लेकिन सब अलग अलग तरीके से बने हुए हैं। ओ भाई बहुत सारे घर हैं यार यहाँ पे बहुत सारे। गाइस यार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी बहुत कम लोग हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी टीम के कुछ लोग, मैं
और कुछ एक आध जने हो और जो कि घूमने के लिए आए हैं, बस वही है। बाकी पूरा नज़ारा यहाँ से देखो। अगर कुछ गलत बोल दूँ तो माफ़ करना, लेकिन जितना मैंने सुना है उस हिसाब से इस गांव की कहानी कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर 190 साल पहले, लगभग 190 साल पहले ब्राह्मण रहा करते थे और उनके अंदर से एक लड़की थी जो कि वहाँ का दीवान या फिर आप कह सकते हैं राजा की तरह कोई था, उसे वो लड़की पसंद आ गई थी और उसकी ये ज़िद थी कि मुझे कैसे भी करके वो लड़की चाहिए। लेकिन गांव वालों ने वो उस लड़की को उन्हें सौंपने से मना कर दिया। फिर उसने दीवान ने ऐसी धमकी दी कि भाई या तो तुम इस लड़की को मेरे हवाले कर दो यानी कि निकाह करा दो, या फिर मैं इस गांव के साथ साथ सभी लोगों को ख़त्म कर दूंगा। तो गाइस यार ऐसे में गांव वालों के सामने बहुत बड़ा धर्म संकट पैदा हो गया था। एक तरफ थी गांव की इज्जत और दूसरी तरफ था अपना पूरा कारोबार, अपनी पुश्तैनी जगह या फिर जहां पे वो लोग रहा करते थे वो सारी। तो उनको उनमें से एक को चुनना था, लेकिन गांव वालों के लिए यहां पे कहना पड़ेगा कि उन्होंने अपनी बेटी को चुना और गाँव की बेटी की इज्जत के लिए उन्होंने इस पूरे गाँव को ही रातों रात खाली कर दिया। इसे छोड़ के चले गए और जाते जाते ये शराब दिया कि इस गांव में दोबारा कोई भी नहीं बस पाएगा। और शायद वैसा ही हुआ है, आप देख सकते हैं कि अभी यहां पे कोई भी नहीं रहता है। अभी मैं एंड में आ गया हूं और रात को यहां पे कोई भी ना आए, इसके लिए आप देख सकते हैं कि यहां पे बाउंड्रीज कर रखी है। मे भी ये तो सरकार ने कराई है, ये देखो इस विलेज के चारों तरफ बाउंड्री कर रखी है ताकि इस जगह को सुरक्षित रखा जा सके इंसानी भूतों से। और गाइज इसके बाहर मैं आपको दिखाऊं कि ये जो बाउंड्री है इसके बाहर आपको कुछ इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलता है। ये देखो गाइज इस बाउंड्री के बाहर भी कुछ घर हैं जो कि टूटी फूटी हालत के अंदर हैं, इधर भी हैं, उधर पीछे की साइड में भी हैं और चारों तरफ है। भाई यार आप देख सकते हैं कि मैं कब से घूम रहा हूँ लेकिन अभी भी मैं पूरा कुलधरा विजिट नहीं कर पाया हूँ। आप देख सकते हैं कि ये उधर से आगे की तरफ जा रहा है। एक बात बताओ, अगर आपसे कोई आके एकदम से कहे कि भैया आज रात को आपको आपका घर खाली कर देना है और छोड़ के कहीं और जगह जाना है तो क्या आप एग्री करोगे? नहीं, आप लड़ाई करोगे उससे अपने घर के लिए, अपनी जगह के लिए। लेकिन गाँव वालों ने अपनी बेटी के लिए, बेटी की इज्जत के लिए इन सभी घरों को रातों रात खाली कर दिया। तो गांव वालों के लिए इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है यार, बिल्कुल बनता है। सही में बहुत हिम्मत चाहिए होती है घर छोड़ने में। वैसे यार मैंने तो जो सुना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी डेफिनेटली अगर रात को कोई अकेला इंसान यहाँ पे आएगा तो उसे डर लगेगा। डर तो लगेगा यार, अकेले इंसान के अंदर वो वाइब्स आएगी, भूतिया वाइब्स। ये देखो यहाँ से कुछ इस तरीके का दिखाई देता है कुलधरा विलेज। गाइज यार यहाँ पर कुछ है, अब ये मुझे नहीं पता कि क्या है लेकिन यहाँ पर कुछ है। देखो यहाँ पर बैठने के लिए कुर्सियाँ हैं, उधर भी है, इधर भी है। ओ बावड़ी, तो गाइज यार यहाँ पर एक बावड़ी है। ये देखो बावड़ी यानी कि जिसके अंदर पीने के लिए पानी इकट्ठा किया जाता है। ओ वाओ गाइज देखो, ओ भाई ये डरावनी है यार। और यहाँ पे मैं अकेला हूँ। गाइस कुलधरा के भूतिया गांव की बावड़ी के अंदर मैं अकेला जा रहा हूँ। देखो काफी खौफनाक है ये, फिर खौफनाक लगी यार मुझे।
ये सही में खौफनाक है। ओ, काफी गहरी भी है। मैं अकेला हूँ यहाँ पे गाइस, मुझे थोड़ा थोड़ा तो डर लग रहा है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा हल्का हल्का लग रहा है, क्योंकि यार जगह ही ये डरावनी चीज है बस यार यहाँ पे, ये तो मानना पड़ेगा। हो तो यहाँ पे बावड़ी खत्म हो जाती है, यहाँ से ऊपर देखो गाइस कुछ इस तरीके का नजारा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। देखो मैं बावड़ी के अंदर जाता हूँ, ये देखो गाइस कुछ इस तरीके की जो बावड़ी है वो अंदर से दिखाई देती है। भाई साहब अकेला इंसान नहीं डरेगा, बताओ डरेगा यार, क्यों नहीं डरेगा। बाहर निकल रहा, ज्यादा देर नहीं रुकते। ये किस लिए है यार, गिर गया तो दिक्कत हो जाएगी। ये हम बावड़ी से बाहर आ गए, ये देखो टाइम तो यहाँ पे लोग आते होंगे, लेकिन अभी जिस टाइम पे मैं आया हूँ सब कुछ सुनसान। ये रहा गाइस वो मंदिर, और यहाँ पे थोड़े से पक्के मकान है, उधर फिर कच्चे मकान आ जाते हैं। ये मे भी सरपंच का घर रहा होगा इस वजह से। और ये देखो, सोचो इतनी सी जगह के अंदर 84 विलेजेस बसते थे, जिन्होंने एक ही रात के अंदर इस गाँव को छोड़ दिया। गाइस यार यहाँ पे एक कमरा बना हुआ है, ओ ये हॉल जैसा है, और आगे देखो गाइस एक कमरा यहाँ पे है, दूसरा कमरा यहाँ पर पार्टीशन के अंदर कर रखा है, यानी कि दो कमरे और एक हॉल। और बाहर एकदम से जैसा बाहर निकलते हैं सामने मिल जाता है आपको मंदिर, तो यहाँ पर मंदिर है। और ये मे भी थोड़े से जो ऊँचे लोग होते हैं, मतलब बड़ी फैमिली होती है, उनके लिए उनके मकान है। और ये क्या है, ओ भाई ओ गाइस यो तेरी गाइस, अंदर तो चमगादड़ ही चमगादड़ है यार, देखो ओ ये देखो गाइस ये पूरा अंधेरा हो रखा है अंदर, और अंदर मेरे हिसाब से चमगादड़े हैं। ये देखो गाइस, ओ गाइस देखो ये बिल्कुल खुफिया रूम बन रखा है यार। अबे तेरी ओहो चमगादड़े उड़ रहे हैं, बाहर निकलते चमगादड़ बैठ गए। ओबे जो कैसे लटकी हुई चमगादड़े, देखो देखो किस तरीके से लटकी हुई है यार, मेरे तो अब नजर पड़ी इस पे। हो ये मंदिर का रास्ता है गाइस, और ये रहा मंदिर। और गाइस यार यहां से आपको मिलेगा इस भूतिया गांव का पूरा व्यू। गाइस यहाँ से अब देखो यार, देखो तो ये है पूरा कुलदरा विलेज, भूतिया गांव जिसकी लोग बोलते हैं बात करते हैं। ये मंदिर है यहाँ पे, ये देखो
चारों तरफ देखो कोई नहीं है यहाँ पे यार, पूरा सुनसान पड़ा। वो देखो उधर सूरज, वो आई थिंक जेल है। जेल भी आपको दिखाते हैं। ओ गाइस, लकड़ी की छत, ये डेफिनेटली पुराना है। और ये जो लकड़ियां हैं ये काफी पुरानी लग रही है। देखो ये पक्के मकान है जो कि मेरे हिसाब से बन गए थे, लेकिन लोगों ने इन्हें भी छोड़ दिया। ये पक्के मकान थे जो कि बन गए थे। ये देखो ये देखो गाइस, गाइस वो रही जेल। मैं आपको जेल दिखाता हूँ। जेल है, पता नहीं क्या है, जेल जैसा दिख रहा है। तो वो सारे अपने ही लौंडे हैं वो जो खड़े हैं। गाइस ये देखो कुलधरा, ओ ये पूरा मैप बना हुआ है गाइस इस विलेज का। यहाँ से रास्ता है, यहाँ यहाँ पे घर है। गूगल मैप है कुलधरा का। कुलधरा वॉज एन एंशियंट लैंड ऑफ द पालीवाल ब्राह्मण्स। गाइस पालीवाल ब्राह्मण्स थे हु माइग्रेटेड फ्रॉम द रीजन ऑफ पाली। दे बिल्ट 84 विलेजेस अराउंड कुलधरा। उन्होंने 84 गांव बनाए थे, बट किसी वजह से उन्हें पूरी रात के अंदर ही इन्हें खाली करना पड़ा। लोक कथाओं के अनुसार कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों का एक प्राचीन गांव था जो कि पाली के क्षेत्र से थे। उन्होंने कुलधरा के चारों ओर 84 गांवों का निर्माण किया, तथापि जैसलमेर राज्य के एक शक्तिशाली मंत्री सलीम सिंह के उत्पीड़न, गाइज शक्तिशाली मंत्री सलीम सिंह के उत्पीड़न और भूकंप और सूखा जैसे कारणों की वजह से उन्हें रातों रात गाँव छोड़ना पड़ा। 19वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों से गाँव वीरान है। गाइज 19वीं शताब्दी के दिनों से ही पूरा गाँव खाली है। और गाइज अभी अंधेरा होने वाला है और रात को यहाँ पे किसी की भी रुकने की इजाज़त नहीं है किसी को भी, इसलिए मैं फटाफट आपको दिखा देता हूँ। जल्दी जल्दी देख लो गाइज, ये देखो इसके अंदर पुरानी बैलगाड़ी पड़ी है जिसको कि ऐसे ही छोड़ दिया गया है। ये देखो ओ तेरी, ये पक्के मकान है पूरे यार। ये देखो गाइज पूरे पक्के मकान। ये देखो तो ये है कुलधरा गांव। भाई ये तो थोड़ा सा डरावना लग रहा है सही में यार। ये देखो छोटे छोटे से कमरे बने हुए। ओ तेरी, सबके अंदर चमगादड़ ही चमगादड़ है बस। ये देखो गाइस, देखो गाइस जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, यानी कि ये सभी लोगों का एक वो रहा होगा कि यहाँ से सभी लोग पानी भी पीते हैं। मंदिर भी है, बड़ी हवेली भी है। क्या वो बिल्ली बना रखी गई वो भी। ये देखो गाइस ये मेरे हिसाब से थोड़ा बाद में कंस्ट्रक्ट किया गया है, उस टाइम का नहीं लग रहा है। इधर से देखो पूरा सुनसान है भैया, कोई नहीं इधर। ये देखो यहाँ से पूरा अच्छा लुक आता है। ये देखो कुछ इस तरीके का लुक यहाँ से आपको कुलधरा विलेज का देखने को मिलता है। इधर भी है, इधर भी देखो। और गाइस अभी ज्यादा टाइम हो गया है तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि ज्यादा देर तक यहाँ पे रुकना किसी के लिए भी यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो कोई भी यहाँ पे ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता है। और आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे शाम होती जा रही है यहाँ का जो माहौल है वो और भी ज्यादा डरावना होता जा रहा है, बनता जा रहा है। तो गाइज यार ये मेन जगह देख लो, ये मंदिर खत्म, इधर ये पूरा गाँव, कहा जाता है पूरे 84 गाँव थे। तो अब हमें भी निकलना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ के नियम है कि भैया शाम को यहाँ पे कोई नहीं रुकेगा और टाइम से यहाँ से निकलना होता है, तो हम भी निकल जाते हैं। अब ज़्यादा दिन यहाँ पे नहीं रुकेंगे, क्योंकि जो मान्यताएं हैं उन्हें हमें भी मानना चाहिए। अगर शाम को यहाँ पे भले ही होता हो ना होता हो, लेकिन तो गाइस देख लो कुछ ऐसा है कुलधरा विलेज, एशियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस के अंदर से एक। और ये फिर से मैप आ गया, यहाँ पर मैप दिख जाता है आते ही। गाइस यार आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।